Assalamualaikum everyone, this is Aisha Khan and welcome back to my channel. तो आज हम बहुत ही delicious, easy and quick dessert बनाएंगे, रसमलाई। कुछ ही easy steps follow करके आप भी ऐसी spongy, soft रसमलाई घर पर ही बना सकते हैं। रसमलाई बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये 1 लीटर मिल्क लिया है। जब मिल्क में एक बॉईल आ जाए उसके बाद हमें इसमें स्लोली स्लोली विनेगर और वाटर का मिक्सचर ऐड करते जाना है। फिर हमारा मिल्क फट जाएगा तो हमें ऐसे वाटर को अलग कर लेना है। ये जो हमारा लेफ़्ट ओवर है इसको हम वाटर से अच्छे से क्लीन कर लेंगे 2-3 बार ताकि विनेगर का कोई टेस्ट ना आए। फिर हमें उसे अच्छे से स्ट्रेन कर लेना है क्लॉथ की मदद से। मेक श्योर हमारा क्लॉथ एकदम क्लीन हो। हमें वाटर ज़्यादा ड्रेन नहीं करना है, थोड़ा ही ड्रेन करना है जब तक कि एक्सेस वाटर ना निकल जाए। फिर उसे हमें ऐसे प्लेट में निकाल लेना है। हमें फिर उसे नीड कर लेना है हाथों से, एकदम ही फाइन नीड करना है हमें उसे ताकि कोई लम्स ना रहे उसमें। ऐसे करके हमें अच्छे से नीड कर लेना है। फिर इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और उसको अच्छे से फिर से नीड कर लेंगे। एकदम स्मूथ हमारा डो जैसे हो जाना चाहिए। जब हमारा मिक्सचर स्मूथ हो जाएगा तो हम उसे शेप दे देंगे कुछ इस तरह से। जब तक कि हम हमारा केसर मिल्क प्रिपेयर कर लेंगे, ये मैंने 1/2 लीटर मिल्क लिया है, इसके अंदर कुछ केसर स्टैंड्स डालेंगे और शुगर डालेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग शुगर डाल सकते हैं। फेस में मैंने इलायची डाली है 1 और मिल्क को हमें तब तक पकाना है जब तक कि उसकी क्वांटिटी हाफ नहीं हो जाती। साइड बाय साइड हम चाशनी प्रिपेयर कर लेंगे, उसके लिए मैंने वाटर लिया है, उसके अंदर हम शुगर डालेंगे। ये 1 कप शुगर है और 3 कप्स वाटर है। जब हमारे शुगर सिरप में बॉईल आ जाएगा तो हम हमारे रसगुल्ले 1 by 1 करके प्लेस कर देंगे। बॉइलिंग शुगर सिरप में हमें इसे पकाना है, ढककर इसे 5 to 6 मिनट्स पकाएंगे। इससे इसका साइज़ डबल हो जाएगा और ये अंदर तक स्वीटन हो जाएंगे। फिर इसे हमें केयरफुली 1 by 1 आइस कोल्ड वाटर में डाल देना है। ये बहुत डेलिकेट होते हैं, आप बहुत ही केयरफुली कीजिए ये स्टेप। इससे हमारा रसगुल्ला फुला फुला ही रहेगा, श्रिंक नहीं होगा और अंदर तक बहुत ही सॉफ्ट और फ्लफी रहेगा। कोल्ड वाटर में 2-3 मिनट सोख होने रखेंगे। फिर हम हमारे रसगुल्लों को हाथ से अच्छे से स्क्वीज करके हमारे केसर मिल्क में ऐड करते जाएंगे 1 by 1। ये हमें बहुत ही हल्के हाथों से करना है वरना हमारे रसगुल्ले टूट सकते हैं। जब सारे रसगुल्ले ऐड हो जाएंगे तो हम इसे ढककर फ्रिज में रख देंगे मैक्सिमम 3 आवर्स के लिए। इससे हमारे रसगुल्ले अंदर तक की सोक कर लेंगे। फिर ऊपर से हम डालेंगे केसर, बादाम और पिस्ता और ये हमारी डिलीशियस रसमलाई रेडी है। ये बहुत ही यमी और बहुत ही सॉफ्ट बनती है, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।